हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ आज मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, ये कमरे की, पूजा वाले कमरे की साफ़ सफाई कर रही हूँ। पहले इसी से नंबर लगा रही हूँ साफ़ सफाई करने का। तो दिवाली की सफाई तो शुरू हो गई है हमारे यहाँ, तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोग के यहाँ दिवाली की सफाई शुरू हुई या नहीं। हो गई हो तो बता देना, क्योंकि मेरी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी साफ़ सफाई, इन बच्चों की वजह से हो ही नहीं पाती। ये इतने ज़्यादा परेशान करते रहते हैं तो हो ही नहीं पाई सफाई मेरी, तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैं अलमारी के सारे अखबार वगैरह सब निकालूंगी। यहाँ पहले मैं जाले वगैरह मार लेती, जाले हो गए हैं सीलन की वजह से, कि हमारे मकान के आसपास कोई मकान भी नहीं है तो सीलन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस वजह से ज़्यादा जाले हो गए हैं। तो मैं पहले जाले मार ले रही हूँ। इधर टाणी खाणी के नीचे सब जाले वगैरह हो रहे हैं, दरवाजे के पीछे भी हो रहे थे, तो सब जगह से अच्छे से मार ले रही हूँ पहले जाले। सेफ के पीछे इधर देखो कितनी ज़्यादा सीलन हो रही है, बारिश हुई थी ना इतनी ज़्यादा, 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीलन हो गई है घर पे, तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है। सब जगह जाले से मिट्टी मिट्टी सी हो रही है दीवारों पे, अच्छा ही नहीं हो रही है। तो सब जगह पहले मैंने जाले मार लिया कमरे में। यहाँ पहले मैं सामान वगैरह सब नीचे उतार कर रख लूँगी जब अखबार लगाऊंगी। ये मैंने चूड़ियों का अपना स्टैंड नीचे रख दिया कुर्सी पर, चूड़ियाँ टंगी हुई हैं, मैं अपनी डेली यूज़ की चूड़ियाँ इसी पर टांग लेती हूँ पहनने के लिए, जब मन करे बदल लेते हैं अंदर ड्रेसिंग टेबल में, बाकी चूड़ियाँ तो मैं अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने अब सामान वगैरह सब उतार ले रही हूँ। और ये देखो पीछे पीछे बार बार आ रहा था, मैं उठाऊँ सामान, मैं उठाऊँ, तो मैं उसको बार बार कह देती मैं बाहर जा अभी बाद में आई हूँ, है चूड़ी वगैरह सब रखी थी तो उठाता फिर मोड़ जाती चूड़ी, तो इसीलिए मैंने उसको बाहर भेज दिया है। आज स्कूल गया था लेकिन आ गया जल्दी से। यहाँ देखो फिर चूड़ियों पे आकर लग गया, तो उसको चूड़ियाँ इतने ज़्यादा शौक है चूड़ियों से छेड़खानी करता रहेगा, तो मैं इसीलिए उसको मना कर रही थी कि बाहर जाए, मगर ये आएगा बार बार। तो यहाँ मैंने सारे अखबार वगैरह सब निकाल दिए हैं। अलमारी में भी काफ़ी ज़्यादा सीलन हो रही थी तो मिट्टी मिट्टी सी होगी, पता नहीं कैसे दीवारों पर हमारे यहाँ मिट्टी सी हो जाती है, तो सब जगह मिट्टी मिट्टी सी हुई थी। तो पहले मैंने कपड़े से अच्छे से दीवारें पोंछ ली हैं, तो फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह से जाले वगैरह मार कर सब अच्छे से अखबार जब बिछा रही हूँ तो मैं वापस से सारा सामान पहुँच कर अच्छे से जब लगाऊंगी अलमारी में, तो मैं यहाँ अखबार बिछा लिया है तो अपना सारा सामान उसमें रख देती हूँ। और ये फेशियल की किट ये रखी हुई थी, काफ़ी दिनों से ध्यान भी नहीं गया था, तो मैं इसे देख रही थी एक्सपायर तो नहीं हो गई है, तो बस वही फेशियल वगैरह अपने घर पे ही कर लेती हूँ, तो मैं रख लेती हूँ किट वगैरह। तो यहाँ शीशा वगैरह सब चीज़ साफ़ करके मैंने अलमारी में अच्छे से रख दिया है, तो मैं नीचे की अलमारी की साफ़ सफाई भी करूँगी। तो चूड़ियों का स्टैंड भी पहले रख देती हूँ, चूड़ियाँ कुर्सी पर रखी हैं, वरना देव आएगा तो देव फिर से छिड़का नहीं करेगा तो और परेशानी फैलाएगा। तो चूड़ियों का स्टैंड भी मैं अच्छे से साफ करके पहले रख दे रही हूँ। ये लकड़ी का स्टैंड है, ये पतिदेव जी लेके आए थे मेरे लिए चूड़ियाँ वगैरह टांगने के लिए, तो फिर ड्रेसिंग टेबल में से बार बार क्या निकालने होते हैं, तो मैं चूड़ियाँ अपनी इसी पर टांग देती हूँ। तो मेरी ऊपर की अलमारियों की साफ़ सफाई हो गई है, तो मैं यहाँ नीचे की अलमारी की साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसमें किताबें वगैरह सब रखी हैं, बच्चों की किताबें हैं, मेरी किताबें, तो सब इसी में रख देती हूँ। तो यहाँ की भी मैंने सारा सामान निकाल लिया है, तो यहाँ के जाले वगैरह नीचे भी अलमारी में हो रहे थे, तो ये सब मैं साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने अखबार वगैरह सब चेंज कर दिए हैं, तो नए अखबार लगा रही हूँ। साफ सफाई कुछ दिनों से हो भी नहीं पाई थी, इसीलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि अखबार थे नहीं। पहले तो हमारे यहाँ अखबार आते थे तो अब बंद करवा दिए क्योंकि टाइम मिलता नहीं था अखबार पढ़ने का, तो वो तो चले जाते सुबह दुकान पर, और मेरा फिर घर के काम में, बच्चे, ये पढ़ाई वगैरह, इन सब में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, तो मैं अखबार वगैरह कुछ पढ़ नहीं पाते, तो अखबार बंद करवा दिया आने। तो आज बाज़ार से खरीदवा कर लेकर आए हैं, तब आज साफ सफाई कर रही हूँ, तो इसी वजह से मेरी तो और ज़्यादा लेट हो गई थी साफ सफाई, अखबार थे नहीं बिछाने के लिए नीचे, तो क्या बिछाती, तो इसी वजह से। तो यहाँ मैंने सारा सामान अलमारी में लगा दिया साफ करके, तो आप लोग बताइएगा आप अलमारी कैसी लग रही है देखो। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से साफ कर दे रही हूँ, इस पर भी गंदगी सी हो गई थी,
ये हमारी ड्रेसिंग टेबल शीशम की लकड़ी की बनी हुई है, तो उस वजह से इस पर भी थोड़ी थोड़ी गंदगी सी जम जाती है। वैसी होती है ना ड्रेसिंग टेबल, वैसे तो उनमें दिक्कत नहीं होती है, तो ये हमारी लकड़ी की थी तो इसमें गंदगी सी जम जाती है, तो अच्छे से इसको घिस के साफ करना पड़ता है। काई सी जम जाती है किनारे किनारे पे, तो उसको अच्छे से मैंने घिसकर साफ कर दिया कपड़े से। तो यहाँ मैंने सारा सामान नीचे बेकार बेकार सब निकाल कर फेंक दिया था। ये देखो कितना सारा सामान कबाड़ा निकला है सब, तो इसको मैं झाड़ू लगा कर सब फेंक दे रही हूँ। तो यहाँ की अब झाड़ू वगैरह सब लगा लेती हूँ पहले, तब दूसरे कमरों की भी सफाई करनी है। अभी कोई से भी कमरे की सफाई हुई नहीं है, तो आज मैंने सबसे पहला नंबर इसी कमरे से लगाया हुआ है। और ये माला मैंने अभी अहोई आटे की पहन रखी है, कि हमारे यहाँ अहोई आटे की जो माला पहनी जाती है वो दिवाली के बाद उतारी जाती है। दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन पूज कर अच्छे से माला को जब उतारते हैं गले से, तब तक उतारते नहीं है, तो मैंने वही माला पहन रखी है अभी। तो मैं यहाँ झाड़ू वगैरह सब लगा लेती पहले, झाड़ू मैंने उधर की साइड में अभी लगाई नहीं थी, सोच रही पहले ये कंप्यूटर वगैरह भी साफ कर लेती हूँ, तो उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। आधे में तो लग गई थी उधर, अभी रह गई है इधर की तरफ, तो पहले मैं कंप्यूटर साफ कर ले रही हूँ। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल जम गई है। ये बक्सा रखा है, इसमें बच्चों के पुराने कपड़े वगैरह सब रखे हैं, थोड़े से रखे हैं, नए कपड़े भी हैं इसमें प्रिंस के, तो इसी में रख देती हूँ। सेफ में जगह नहीं होती है, तो बक्से में रख कर इसी के ऊपर मैंने कंप्यूटर रख दिया है। तो इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया, तो इस पर पर्दा टांग कर रख देती हूँ। पर्दा नहीं टांगते तो धूल मिट्टी सब जम जाती है, तो मैंने अच्छे से पर्दा उस पर ढक दिया है। तो अब चलते हैं, साफ़ सफाई वगैरह कर लेते हैं, अब झाड़ू भी लगा लेती हूँ फिर से। अरे देखो कितना सारा कबाड़ा निकला है, तो इसको पहले मोटा मोटा जो कूड़ा है इसको मैं उठा कर ले जाती हूँ, बाहर फेंक कर आती हूँ पहले, कि हाँ बाहर प्रिंस भी बैठा है तो उसके ये सारे कूड़े उठाएगा, झाड़ू से लगा कर ले जाऊँगी। तो पहले मैंने उसको उठा कर फेंक दिया, तो यहाँ भी झाड़ू लगा दिया मैंने कमरे में से। तब चलती हूँ दूसरे कमरे में साफ सफाई करने के लिए, और देखो यहाँ भी कितनी ज़्यादा सीलन हो रही है कमरे में, यही नुकसान होता है आसपास मकान नहीं होने का। देखो कितनी ज़्यादा सीलन हो रही है, पूरी दीवार अभी तक गीली हो रखी है, 3-4 दिन बारिश आने की वजह से सब पूरा घर सीलन हो रही है। और यहाँ मैं सारे पॉट वगैरह सब उठा कर ले आई हूँ धोने के लिए, पहले मुझे आज ये सब साफ करने हैं, इन पर कितनी ज़्यादा धूल जम गई है, आप देख सकते हो कितनी हो रही है। और ये देव बार बार आ रहा था, उसको उसने हाथ में कुछ मार लिया था, वो मुझे दिखा रहा कि उंगली में कुछ लग गया है, उधम करता रहता था, कुछ भी सामान उठाकर उसने उंगली में मार लिया। अंदर बैठक में कुछ सामान उठा उठा कर खेलता रहता है ना, तो उसी से मार लिया। तो हमारे सारे पॉट वगैरह सब धोंगी, तो यहाँ मैंने अब सारे पॉट वगैरह सब धो दिए, तो ये वाला पॉट धोना रह गया है, तो ये फूलदान भी अच्छे से धो ले रही हूँ। देखो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल गई, सारा पानी काला काला हो गया है, काफ़ी दिनों से सफाई हुई नहीं थी, 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गए बिना सफाई हुए, क्योंकि मेरे पेपर भी चल रहे थे, तो उस वजह से 1.5-2 महीने तो उसमें निकल गए इस पेपरों में, तो साफ़ सफाई हो नहीं पाई। फिर बच्चों के जन्मदिन पर ही साफ़ सफाई हुई थी, जुलाई में आता है बच्चों का जन्मदिन, तो उसी में सफाई हुई थी, उसके बाद तक कभी हो ही नहीं पाई है। तो अब हो रही है दिवाली की वजह से, तो अब सारे घर की सफाई कर ले रही हूँ। और ये देखो दीवारों पे कितनी ज़्यादा सीलन हो गई है, कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उसी वजह से और मिट्टी मिट्टी सी हो गई, छापे बढ़ रहे हैं मिट्टी के पूरे दीवारों पे। तो अच्छे से पहले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ दीवारों को, फिर उससे झाड़ू वगैरह सब जाले वगैरह मार कर जब अच्छे से अखबार लगाऊंगी, तो यहाँ मैंने सारे पुराने अखबार फेंक दिए हैं निकाल कर, तो ये नए अखबार बिछा रही हूँ। तो पहले ऊपर अखबार बिछा लेती हूँ, तो यहाँ मैंने अपने ससुर जी की फ़ोटो भी अच्छे से साफ़ करके ऊपर रख दी है। तो नीचे के कमरे अलमारी की साफ़ सफाई भी कर ले रही हूँ। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ये देखो नीचे के अलमारी पर भी अखबार लगा दिया, तो मैं यहाँ भी सामान रख ले रही हूँ। और पॉट वगैरह मैं एक बार बाहर झाड़ कर आई थी अच्छे से, पानी उसका से निचोड़ दिया था, बाहर सूख रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ लेकर आऊँगी, क्योंकि अखबार गीले हो जाएंगे अभी रखूँगी तो पहले बाहर अच्छे से थोड़ा सूखने दूँगी, जब रखूँगी तो मैं यहाँ नीचे की साफ़ सफाई भी अच्छे से कर ले रही हूँ। तो ये देखो
यहाँ बराबर किलवारी के भी मैंने सारे अखबार उतार दिए। अखबार पे और ज़्यादा सीलन हो रही थी, सारे अखबार गीले गीले हो गए थे। तो यहाँ झाड़ू वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिए, दीवार वगैरह सब कपड़े से साफ़ करनी है। तो यहाँ मैंने सारे अलमारी में देखो सब पॉट लगा दिए, तो पॉट सूख गए थे तो सब ला कर रख दिए मैंने। तो यहाँ चादर वगैरह भी सब मुझे चेंज करनी है, सोफे वगैरह कवर सब उतार कर रख दिए हैं, सब धोऊंगी मैंने। काफ़ी दिनों से ये भी नहीं धुल पाए, कोई काम हो ही नहीं पाया ढंग से। तो अब सारे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, बाकी कमरों की साफ़ सफाई होगी, बस बेडरूम की लग गई है साफ़ सफाई करनी। ये दोनों कमरे तो अब साफ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे कम्युनिटी टैब मिल चुकी है। तो अभी 2-3 दिनों पहले यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया था, मुझे समझ में नहीं आया था क्या है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। तो उसमें 5 फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बोला था, तो मैंने सेलेक्ट किया। तो 5 फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद उस पर टेक्स्ट का मैसेज लिखा है, तो मैंने उस पर टेक्स्ट किया, तो फिर पोस्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने व्यू लिखा था नीचे, तो मैंने देखा क्या है ये, तब समझ में आया कि ये कम्युनिटी टैब है। मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, तब भी मुझे कम्युनिटी टैब मिल चुकी है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे मिली। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसी हम पर बनाए रखिएगा, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली और बढ़ सके। तो यहाँ मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है कमरे की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब सारी सफाई कवर वगैरह सब लगा रही हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरे कमरे की अब क्या है दशा, देखिए। और आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए, बीच में ब्लॉग मत छोड़ा कीजिए, चैनल पर आगे कर लाइक कीजिएगा। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं होता, तो प्लीज़ आप लोग लाइक किए बिना मत जाया कीजिए। और ये देखिए मेरी बैठक अच्छे से हो गई है साफ़, ये देख सकते हो आप सब, मैंने चादर वगैरह सब लगा दी है। तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर।